लेकिन उसमें पॉजिटिविटी क्या है, वो पॉजिटिविटी आज सर को यहाँ बैठकर बताएंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान है वो है बलूच साहब, सेक्टर एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? शुक्र है। आपने बड़ा टाइम दिया आने में। एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं इस डिपार्टमेंट को लेकर, और आपका शायद सबको बहुत ज़्यादा इंतजार था। आप सर इस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बताएंगे कि ये डिपार्टमेंट इतना मुश्किल डिपार्टमेंट क्यों है? मुश्किल इस सेंस में है कि जो बलूचिस्तान में सबसे जो बड़ा डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ के हवाले से 78,000 के करीब स्ट्रेंथ है, तो इस हवाले से बहुत बड़ा है। फिर बलूचिस्तान का जो एरिया है एक्सेस वो भी बहुत बड़ा है, तो सारे स्कूल्स हर जगह हों तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हम हर जगह हर गांव में स्कूल दे दें, तो इनको पूरा मैनेज करना ये मुश्किल काम है। सर आपको क्या लगता है कि एक सेक्रेटरी अकेला इतने बड़े सूबे को और इतने सारे स्कूल्स को हैंडल कर सकता है? कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी जगह एक बंदा, तो अगर वो कहे कि मैं बहुत कॉम्पिटेंट हूँ या बहुत काम करने वाला हूँ, ये तो ठीक भी नहीं है। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे नीचे टीम है बहुत बड़ा और वो सारे काम जो है मेरे टीम कर रहे हैं। मेरे नीचे डायरेक्टर स्कूल है, फिर डिविजनल डायरेक्टर हैं, फिर डिविजनल डायरेक्टर के नीचे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, उसके नीचे फिर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसके नीचे फिर हेडमास्टर। हमारा एजुकेशन में एक और चीज़ है, ये जो आप बात कर रही हैं कि आप किस तरह इसको चला रहे हैं, वी हैव जो पावर्स हैं हमारे वो हमने सारे डेलीगेट किए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथ साथ जो स्कूल में हमारे जो बजट हैं क्लस्टर बजट, उनको हेडमास्टर के साथ साथ कम्युनिटी को हमने इन्वॉल्व किया, उनकी यूटिलाइजेशन ये चीज़ें, तो पावर्स डेलीगेट किए हमने सारे। सही। सर आपको लगता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इस वक्त पिछली जितनी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं और इस वक्त की जो गवर्नमेंट है अभी एजुकेशन में काम ज़्यादा बेहतर हो रहा है या पिछला जितना हो, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, छोटी से छोटी चीज़ हाईलाइट बहुत जल्दी हो जाती है, कुछ छोटी सी भी गलती एकदम से सामने आ जाती है, तो वो एक डर है जिसकी वजह से चीज़ें बेहतर होने की तरफ जा रही हैं या अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से? आपने गवर्नमेंट्स की बात की कि पिछले गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट में, कोई सियासी बंदा तो नहीं हूँ लेकिन मैं जब से सेक्रेटरी हूँ और ये गवर्नमेंट जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, लोगों के जो बातें हैं और जिस जो मैंने देखी हैं, मेरे ख्याल में जब से डिपार्टमेंट बनी है इतने ज़्यादा काम जो अभी 2 साल में हुए हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए। उनका मिसाल इस तरह जब से डिपार्टमेंट बना है, प्रोमोशन JV टीचर्स के नहीं हुए, ये फर्स्ट टाइम हुए हैं। जब से डिपार्टमेंट बना है ये SST है, साइंस टीचर्स जो हैं वो जनरल साइड पे और साइंस साइड पे, उनकी फ़र्स्ट टाइम प्रोमोशन हुए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मुख्तलिफ डोनर्स आ गए हैं हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम जो ये 10,000 टीचर्स हम लोग हायर करें, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान कि इतने जो टीचर्स हम जब हायर करेंगे तो इसका बहुत बड़ा इम्पेक्ट अभी आपको नज़र नहीं आएगा लेकिन अगले 7-8 साल के बाद इसका इम्पेक्ट नज़र आ जाएगा। तो इस गवर्नमेंट में जो टीचर्स की डिफिशेंसी थी रेगुलराइज भी कर दें, इसी गवर्नमेंट में ग्लोबल पार्टनरशिप एजुकेशन आपने देखे थे जो हड़ताल किए थे वो हो गया। अभी CM साहब ने कल इंटरनी टीचर्स हैं आवारान के 335 एक और कुछ तुर्बत डिस्ट्रिक्ट के थे वो भी उन्होंने रेगुलर कर दिए। कल एक और अचीवमेंट आ गया कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स हैं वो भी 200 के करीब वो भी हम अभी रेगुलर कर रहे हैं। तो ये बहुत से काम इस तरह हैं जो हम कहें कि इससे जो एजुकेशन रिफॉर्म्स आएंगे और इसका इम्पेक्ट आपको, एजुकेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो इसका इम्पेक्ट आपको फौरन नज़र नहीं आता, ये 5-10 साल के बाद आपको नज़र आते हैं। सर आप इससे पहले जिन डिपार्टमेंट्स में रहे वो डिपार्टमेंट्स और जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए, आपको लगता है अब ज़्यादा मुश्किल डिपार्टमेंट आ पाए या इससे पहले जो डिपार्टमेंट्स में जहाँ जहाँ आप रहे वो ज़्यादा मुश्किल रहे आपके लिए?
मुश्किल जो है ये इंसान के साइकी है कि किस चीज़ को आप इजी बनाते हैं, किस डिपार्टमेंट को या किस चीज़ को मुश्किल बनाते हैं। मेरा अपना एक व्यू है, पर्सनलिटी शायद इस तरह है, मैं जिधर जाता हूँ उस डिपार्टमेंट को इंजॉय करता हूँ। जिधर भी जब से आया हूँ, मतलब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मैंने काम किया, मैंने इंजॉय किया। मैं सोशल वेलफेयर में था पहले, वो भी मैंने इंजॉय किया। अभी एजुकेशन में हूँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। मेरे लिए इसलिए मुश्किल नहीं है कि मेरे मैं पावर्स मैंने डेलीगेट किए हैं अपने नीचे लेवल पे, वो सारे बखुशी मेरे सारे काम करते हैं, उनको एम्पावर भी किया है तो मुझे सपोर्ट दे रहे हैं, न सिर्फ मेरे सेक्रेटरी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डायरेक्टरेट लेवल पे, उसी दिन मेरा काम करते, वो अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास। सर जो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, एक परसेप्शन है इसके लिए इसको लेकर कि इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, मिनिस्ट्रीज का, मिनिस्टर्स का जो भी होते हैं या जितनी भी पॉलिटिकल हमारी जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनका इन्फ्लुएंस इस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि सीट्स आ गई तो सीट्स को लेकर बहुत ज़्यादा इशू बन जाता है, कभी कोई टीचर्स हैं तो उनका इतनी सोर्स होती है कि वो कुछ भी किसी भी डर नहीं के अपनी मर्जी से कुछ भी करवा सकते हैं। ये जो इन्फ्लुएंस है इसने इस डिपार्टमेंट को कितना किस हद तक ख़राब किया आपको लगता है ऐसा कुछ? ये पूरे पाकिस्तान में ये इशू है, ये न सिर्फ एजुकेशन में, हेल्थ में भी है, जो ये दोनों बड़े डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट एंट्रेंस पोस्टिंग लाजम, ये पॉलिटिकल जो है फिगर होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो लोग जाते हैं, ये लाजम कर लेते हैं। हमारे मसला ये है कि हम लोगों के जो प्रायोरिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। हमारे प्रायोरिटीज़ अगर ठीक हों, हम कम्युनिटी के लोग जो है अगर मिनिस्टर को कहें कि इस टीचर, ये बेहतर से बेहतर टीचर ले आए, वो वही काम करेगा। उनके वो डिपेंडेंट अपॉन अगर उनके ये हो कि अच्छे काम हो तो वो वही काम करेंगे। हम लोग जो है खुद मिनिस्टरों को ख़राब करते हैं, मैं खुद मिनिस्टरों को ख़राब करता हूँ। मिनिस्टर बजाते खुद ख़राब नहीं होते हैं, ये ख़राब करने वाले हम लोग हैं। हम जो प्रायोरिटीज़ देंगे वही करेंगे। तो ये है बहुत बड़ा इशू, ट्रांसफ़र पोस्टिंग बिल्कुल पॉलिटिकली आते हैं, इन्फ्लुएंस है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में नीचे लेवल पे बहुत ज़्यादा हैं, SSTs हैं वो ज़्यादातर, क्योंकि हमारे जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते हैं विद इन द डिस्ट्रिक्ट होते हैं। इशू ये है कि हर कोई कहते हैं मुझे सिटी में ले आए, ये बहुत बड़ा इशू है हेल्थ में भी और एजुकेशन में। हर कोई कहता है मुझे क्वेटा दे दो, हर कोई कहता है, मतलब खुददार के अगर टीचर है वो कहते हैं मुझे खुददार सिटी में, तुरबत के कहते हैं तुरबत सिटी में। इसीलिए हमारे जो रूरल एरियाज़ है वो खाली हो रहे हैं। तो सर इसका फिर जैसे अभी एक इनिशिएटिव मोदी साहब ने लिया था लास्ट टाइम, उनसे कहा था कि उन्होंने जो जिस डिस्ट्रिक्ट का है वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके काम करे। इस चीज़ का भी तो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, आपको नहीं लगता कि लोग इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है? हम लोग जहनी तौर पर चेंज वैसे कबूल नहीं करते हैं कि वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, हमारे जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है या अपॉइंटमेंट वो यूनियन कौंसल वाइज है। फिर भी हमें तो पता नहीं चलता, इतना बड़ा एक बहुत ह्यूमन रिसोर्स मैंने पहले डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा जो JEE टीचर लगते हैं या JET वो यूनियन कौंसल बेस, बल्कि वो लिख के देते हैं स्टाम्प पेपर में कि ये ट्रांसफ़र नहीं होंगे। फिर ये होते रहते हैं, आपको भी पता है सबको कि पॉलिटिकल बेस भी होते हैं, उनके कुछ जगह मजबूरियाँ भी होती हैं। लेकिन एक हद तक हमारे स्कूल साइड में ये कम है। सर हम गवर्नमेंट स्कूल्स को अगर पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स के साथ हम कंपेयर करें, प्राइवेट स्कूल्स इतनी फीस स्ट्रक्चर्स हैं, इतना उनका मतलब एक शशका इतना ज़्यादा है, उनका नखरा इतना ज़्यादा है, उसको अगर हम कंपेयर करें गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल में वो सारा कुछ ना होके हम क्यों फिर प्रेफर करते हैं कि हम फीसें ज़्यादा देकर वहाँ चले जाएँगे लेकिन प्राइवेट जो पब्लिक स्कूल्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स उसकी तरफ नहीं आते? क्यों हम यहाँ पर दूसरा की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाते? मसला ये है हमारा, हमें अपने ऊपर खुद यकीन नहीं है। खुद एक टीचर है, खुद MPhil उसने किया है, क्वालिफाइड भी है, MSc भी है कुछ, वो भी अपने बच्चों को जाके भेज देते हैं। इट मीन्स कि हमें अपने ऊपर खुद यकीन नहीं है। पहले तो मैं जब एजुकेशन सेक्रेटरी नहीं था मैं भी यही कहता था कि प्राइवेट स्कूल्स बहुत बेहतर है और गवर्नमेंट इस तरह नहीं है। लेकिन अभी एज ए सेक्रेटरी तो मैंने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट भी विज़िट किए हैं और स्कूल्स भी विज़िट किए हैं,
कुछ हमारे ऐसे स्कूल हैं जो प्राइवेट टॉप के, जो प्राइवेट, बाकी छोटों के मैं बात नहीं करता हूँ, जो बड़े स्कूल जो हम कहते हैं बीकानेर सिटी है या के विल्डरनेस जो भी हैं, उनके लेवल के हैं। मसला वही है, हमारे जो पैकेज है वो भी ज़्यादा हैं उनके पैकेज। मसला सेंस ऑफ ऑनरशिप है, सिंसेरिटी है, उन वो ऑन नहीं करते हैं चीज़ों को, वहाँ पे उनका प्रेशर ज़्यादा, इनको पता है हम लोगों को तो कोई नहीं निकाल सकता, अगर हम ये भी कर दें ये भी ठीक रहेंगे। सर फिर ये मतलब ये जो बहुत बड़ा फ्लॉ है एजुकेशन डिपार्टमेंट के, मॉनिटरिंग उस तरह से नहीं है। अगर एक स्कूल में टीचर नहीं जा रहा, लेट्स सपोज एक टीचर की सैलरी 40,000 है, उसने आगे 20,000 में दूसरा बंदा रखा, उस 20 वाले ने भी आगे 5 में एक और बंदा रखा, इस मॉनिटरिंग इस चीज़ को आप क्यों नहीं ख़त्म कर पा रहे हो? ये चीज़ सबको पता है, सबको नज़र आती है कि ये चीज़ हो रही है, लेकिन हमारे पास एक सिस्टम है, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, वो हमने थर्ड पार्टी है एक, वो जाके विजिट करते हैं, उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, टैब है, वो उसी टाइम उसका पिक्चर्स भी लेते हैं, उनको पता भी होता है कि उसी टाइम हमें मालूम हो जाता है। बहुत से हमारे जो टीचर्स के उनकी सैलरीज भी डिडक्ट हुए हैं, वो सस्पेंड भी हुए हैं, टर्मिनेट भी हुए हैं। तो जब हम कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं, हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ की जब बात करते हैं तो सबसे पहली मेन चीज़ हम सिर्फ क्वेटा की बात करें, ओवरऑल उड़ीसा में हम ना जाएं, क्वेटा के अंदर ही स्कूल्स के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो नेगेटिविटी को बहुत जल्दी फैला देते हैं, लेकिन जो कुछ पॉजिटिव हो रहा होता है वो हमें नज़र नहीं आता। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी वो आप जैसे बकौल आपने खुद ही बताया कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल से बेहतर काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं उनको पॉजिटिव चीज़ों को क्यों नहीं हम प्रोजेक्ट करते हैं, हम सामने क्यों नहीं लाते हैं? हमेशा नेगेटिव चीज़ें जल्दी नज़र आते हैं, ये एक सोच है ना, हम लोग एज ए नेशन नेगेटिव हैं, हम चीज़ों को पॉजिटिव देखते नहीं हैं। मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, हमारे एजुकेशन के अंदर अभी भी, मैंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम किया, क्या है अभी एजुकेशन में हमारे ऑफिसर बहुत कॉम्पिटेंट हैं, इतने अच्छे टीचर्स आपको मिलते हैं, आप जाएं विज़िट कर ले, जब आप खुद विज़िट नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलता है। क्वेटा के अंदर मैंने बहुत से स्कूल विज़िट किए हैं, बहुत अच्छे, आपको लर्निंग आउटपुट आप देख ले, आप हैरान परेशान रहते हैं कि ये तो वही स्कूल हैं। अभी मुझे मसला इस साल क्या हुआ है कि लोग एडमिशन नहीं मिल रहे हैं, बच्चों की तादाद इतने से हमारे पास जगह नहीं है, इसी तरह होशा कुछ ऐसे स्कूल जगह नहीं मिलता है, लोग मुझे सिफारिश करते हैं कि हमारी एडमिशन करवाएं। ये थिंकिंग है, हम अपने अप्रोच चेंज कर लें, हम हमेशा एक बंदा अगर 99% अच्छा काम कर रहा है, 1% नेगेटिव को हम हावी करते हैं उस पर, ये तो बंदा वैसे सही काम कर लें, चाहे आपके शुभ को जितना आपके क्रिटिसाइज़ कर लें, लेकिन आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं, बेहतर से बेहतर काम कर लें, दिल को मुतमइन कर लें, अपने आप को सुकून दें, जब आप अच्छा काम करते हैं खुश रहते हैं, लोग नेगेटिव बातों पे ना आए, इसके लिए ना मायूस हो जाएं, यू गो अहेड, आगे जाएं, काम कर लें। अब सर हम जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा नज़र आती है वो है नाराज़ टीचर्स जो हमेशा हड़ताल पे हैं, जो हर दूसरे दिन किसी न किसी मुतालबे की वजह से रोड्स पे आए होते हैं, उसका नुकसान डिपार्टमेंट को तो है, स्टूडेंट्स को भी है, और एक अजीब एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जो कि कंटिन्यूसली पूरे मुल्क में फैलता जा रहा है कि मतलब क्यों बलोचिस्तान में हर टीचर नाराज़ है, ऐसा क्या होता है, किसी मुतालबात जो पूरे नहीं हो रहे हैं? ये टीचर्स नहीं है, सिर्फ डॉक्टर्स भी इस तरह है, वो उनको पता है कि हम लोग हड़ताल करेंगे हमें कोई सुनेगा, क्योंकि ये इनका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये अगर कम होते हम लोग भी नहीं सुनते इनको, उनके कुछ डिमांड्स ऐसे हैं वो जायज़ भी हैं, ये नहीं है कि वो नाजायज़ सारे। एजुकेशन को अगर हम प्रायोरिटी दे दें, उनके स्किल को भी बढ़ाना चाहिए, उनके पैकेज भी इस तरह हो कि वो मेंटली तौर पर ठीक तो रहे जो पढ़ा है, जब वो खुद ठीक ना हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो, मेंटली वो पीसफुल नहीं रहे, तो बच्चों की पर्सनैलिटी को किस तरह चेंज करेंगे? मेरा अपना व्यू ये है कि बाकी टीचर्स को एक टीचर होना चाहिए, वो मेंटली फिजिकली फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रांग हो, मजबूत हो और रिलैक्स भी हो, ताकि वो, क्योंकि वो चेंज एजेंट है, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, जब ये खुद उनकी पर्सनैलिटी ठीक ना हो तो बच्चों की पर्सनैलिटी को किस तरह चेंज करेंगे? सर बात है ये जो आजकल पोस्ट आई हुई है, बड़ा एक हॉट टॉपिक है पूरे पुलिस में कि पोस्ट आई हुई है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतनी पोस्ट आ रही है,
इन पोस्ट को लेकर करप्शन को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के जहनों में पहले से ही लोगों ने माइंड बना लिया कि ये तो जितनी आ भी गई है वो पहले से बिक चुकी है, फलाने की इतनी रेट्स लग चुकी है, फलाना इतने पैसे ले रहा है, हर किसी ने अपना अपना एक मार्जिन रखा हुआ है। जबकि इस तरह ही होना है तो फिर ये पोस्ट को इस तरह से क्यों लेकर लाया जाता है? नेगेटिविटी फिर भी बात है कि पहले से ही लोग मेंटली नेगेटिव इसको लेकर बैठे हुए हैं, जिसने अप्लाई करना होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा हुआ है कि जो अपने बलबूते पर ही आते हैं, अपनी ही उस पर टेस्ट दिया, एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया और जॉब लगी है। मैंने कई लोगों को बगैर पैसे दिए भी जॉब लेते हुए देखा हुआ, लेकिन क्यों हम इतना डरे हुए हैं कि पहले से ही हमने जहन बना लिया कि नहीं ये पोस्ट आ गई है इसमें तो पहले से ही बिक चुकी है, ऐसा क्यों होता है? ये वो लोग हैं, एक ग्रुप है जिनको कुछ आता ना हो, जो पॉलिटिकली उन्होंने पढ़ा नहीं है, लोग सियासी लोगों के पीछे हैं, जो नारे बहुत लगाते हैं, जो ऐसे ही आवारा अगर नकल करके पास हुए हैं तो आपका क्या ख्याल है? वो कहेंगे कि इधर मेरिट होगा? वही लोग हैं जो कहते हैं कि यहाँ पे नकल हो रहा है, यही लोग हैं कि ये पैसे ले, एग्ज़ाम हुआ नहीं, ये कैसे लग सकते हो? एग्ज़ाम से पहले कोई अपॉइंटमेंट आर्डर इशू होता है, वो एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है, अखबार में दे देते हैं, फिर एक कमेटी है, फिर पेपर चेक होते हैं, फिर एक अप्रूवल, उसको कैसे पता है कि मैं ये इतने पैसे दिए आर्डर के मिल गए? मैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हम लोग आते हैं कहते हैं इधर मेरिट नहीं हुआ है, ये नहीं है कि हम लोग कहें कि ये बिल्कुल साफ सुथरा सिस्टम है हमारा, होता रहता है, हुए होंगे, लेकिन इस तरह भी नहीं है जो लोग बता रहे हैं कि सारे करप्ट हैं, सारे ऐसे आए हैं बगैर टेस्ट, बगैर इंटरव्यू के पैसे दे के। मैंने अपने जो लोगों को मैं बताता हूँ जो पढ़े लिखे हैं, जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, मैंने अभी तक कोई ऐसा बंदर या बंदी नहीं देखा है जिन्होंने मेहनत की हो और वो निकला नहीं हो, मैंने तो नहीं देखा है। जो मेहनत करे, पढ़े लेके एक दफ़ा रह जाता है दूसरी दफा, लेकिन वो लगेगा ज़रूर। ये वो लोग हैं जो मतलब उनको मज़ा आता है किसी काम को ख़राब करने में। आप अभी 10,000 पोस्टें हैं, मैं अगर नहीं करूं तो फिर दूसरा कौन आके करेगा? क्या वो फिर मेरिट होगा? चलो अभी मेरिट नहीं है, मिसाल दूसरा उन्होंने बंद कर दिया, बैन लगाया, नहीं हुआ, तो फिर कब 5 साल बाद फिर मेरिट होगा? फिर ठीक रहेंगे, हमारे इदारे यही हैं, हम लोग यही लोग हैं, वही हैं, बस विदिन द रिसोर्सेज वही। आप इनको आप मेहनत कर लें, क्यों नहीं आएंगे? और बड़ी मुश्किल से अपॉर्चुनिटी आई थी 10,000। मुझे सब ने कहा ना करो, ये भी मैंने आपको बता दूं, मैं ज़हनी तौर पर पहले से तैयार था कि प्रोपेगेंडा होगा, क्रिटिसिज्म भी होगा, बातें भी होंगी, लोग कोर्ट जाएंगे। अभी नहीं है, इसके बाद आगे मसले आएंगे, ये तो अभी तो एक तो कुछ नहीं है, बातें हो रही हैं, या अभी तो बातें हैं, जब रिजल्ट आएगा फिर और इशूज़ आएंगे, फिर लोग बोलेंगे लग चुके हैं वो तो पैसे, जो लग गए वो मेरिट है, जो नहीं लगे वहाँ पैसे नहीं दे सकते। ये एक ट्रेंड है, मैं कि क्यों पैसे, मैं तो खुद मैंने कहा कोई लिख के दे दे मुझे कि कौन कौन पैसे ले रहे हैं, वो अभी तक मुझे नहीं मिला है वो बंदा, वो ताकि मुझे मालूम तो। अगर 20 पोस्टें हैं और 50 लोगों ने या 500 लोगों ने अप्लाई किया हो तो लोग किस तरह कर रहे हैं? ये माफिया हैं यहाँ पे, वो 200 से पैसे लेते हैं सबसे, इनको कहते हैं 200 में से वो 20 जब पोस्टें हैं 10 तो वैसे ही लगेंगे, हाँ, तो वैसे ही लगेंगे, तो सबसे पैसे लेके बाकी उनको कहते हैं कि आपका काम तो नहीं हुआ है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स थे इसलिए। तो सर ये वाला जो एक कॉन्सेप्ट है कि लोग, अच्छा इसमें फिर फायदा उनको भी होता है कि जो बिला वजह भी पैसे ले लेते हैं लोगों से, तो जो पास हैं वो बेचारे। हमारा हम लोग ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि आप पैसे क्यों दे दें, सारे पैसे ना दें, तो उनके पास कहते हैं 18 लाख। मैंने कहा जब 18 लाख किसी के पास है तो जैविक टीचर के लिए, तो 18 लाख कितने साल में पूरे होंगे? ये थोड़ा बंदा अकल भी इस्तेमाल कारोबार ही कर ले, नहीं 18 लाख कितने साल में, अगर उनकी तनख्वाह भी मिल जाए 30,000 पूरे, ये तो 10 साल में, तो 18 लाख नहीं 15 साल में पता नहीं पूरे होंगे कि नहीं, तो क्यों दे रहे हैं? बीस लाख तो इसमें कैलकुलेट कोई करें, पर मंथ जो जेवी टीचर का तनख्वाह होगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट में 30,000 होगा, तो ये 18 कितने सालों में पूरे होंगे? तो
तो ये हमने खुद ही को बना और ये 18 लाख लाए कहाँ से इसने? पहले तो वो भी सोचने की कितनों से कर्जे लिए होंगे या बहुत बड़े लोग हैं वो देंगे चले ठीक है लेकिन ये गरीब बेचारे हैं वो कहाँ से लाएंगे। सर आपके डिपार्टमेंट्स को लेकर हम जब एजुकेशन डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट हुए दोनों सर्विसेज डिपार्टमेंट है इन्होंने बलूचिस्तान में बहुत सारा काम किया भी है बहुत सारी चीज़ें होती हुई है नज़र आती हैं लेकिन बलूचिस्तान चूँकि रकबे के हिसाब से इतना बड़ा सूबा है बाकी पाकिस्तान को लेकर कि यहाँ पर जितना भी आप काम मतलब वो कुएँ की तरह बस करते भी जाए ना यहाँ नज़र नहीं आता। बाकी सूबों पर जब हम कंपेरिजन की तरफ जाएँ तो बलूचिस्तान एजुकेशन में अब भी क्यों कम्पीट नहीं कर पाता पंजाब या के पी से? सिंध को हम थोड़ा सा फिर चले हम सिंध के फिर हम करीब हैं हम और सिंध का हमारा बलूचिस्तान का और सिंध का फिर भी जरा मुकाबला रहता है बाकी दोनों से हम क्यों कम्पीट नहीं कर पाते जब हम एजुकेशन की बात करते हैं? मुझे तो दो दफ़ा फेडरल मिनिस्टर और फेडरल सेक्रेटरी ने अप्रिशिएट किया कि बलूचिस्तान सबसे आगे है। दो प्रोजेक्ट्स हमने किए थे सबसे पहले हमने किए थे एस वायर प्रोजेक्ट है बाकी प्रोजेक्ट्स जो प्रोजेक्ट्स हमें मिले हैं सबसे पहले हमने किए हैं। हम अपने आप किसी दूसरे से कम्पीट करते नहीं हैं हम क्यों कम्पटिशन करें उनके साथ? जो काम है आप अपना काम करें मेरा तो अपना एक फलसफा है ना मैं अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करता हूँ ना किसी इदारे को दूसरे इदारे के साथ कंपेयर कर लें। जो आपके टास्क हैं जो टारगेट्स हैं आप उनको अचीव कर लें वो टास्क अचीव कर लें। मेरे जो डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान के जो सूबा है वो सिंध से डिफरेंट है सिंध इसी तरह पंजाब से हर प्रोविंस कल्चरली एक्सेस के हवाले से जियोग्राफिकल लोकेशन के हवाले से क्लाइमेट डिफरेंट हैं तो हम एक दूसरे के साथ कंपेयर अपने आप को नहीं करें। मेरा तो ये है कि जो आपको टास्क हैं जो आप इश्यूज़ हैं बिल्कुल क्लियर स्ट्रेटजी के साथ आप जाएं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट का अपना एक हमारा 5 साल मनसूबा है बलूचिस्तान एजुकेशन सेक्टर प्लान तो हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ये 5 साल कोई स्कीम है एक 5 साल मनसूबा है तो 30-40% हमने अचीव कर दिया है तो इंशाल्लाह हम ये अचीव कर लेंगे अगर जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे हमें सपोर्ट कर लें कोऑपरेट कर लें तो हम भी ये कर लेंगे। बलूचिस्तान में दो इश्यूज बड़े हैं जो एजुकेशन सेक्टर में एक जो है इस सेक्टर प्लान के मुताबिक लर्निंग बड़ा इशू है हमारा दूसरा एक्सेस जो स्कूलों में हैं वो उस तरह सीख नहीं पा रहे हैं कुछ बच्चे जो हैं 43-45% बच्चे जो हैं जो एज ग्रुप है वो आउट ऑफ स्कूल हैं तो ये दो बड़े इश्यूज हैं इस पर अगर हम काम कर लें तो एजुकेशन में बहुत बड़ा रिफॉर्म आ जाएगा। सर तो जो ये आपने प्रॉब्लम्स उन्होंने बताएं इन प्रॉब्लम्स के लिए हम सब गवर्नमेंट को क्यों देखें हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पर भी क्यों नहीं जा रहे हैं या हम इसमें थर्ड पार्टी से क्यों हेल्प नहीं ले सकते हैं? बहुत सारी एनजीओज हैं बहुत यूएन है इस टाइम लोकल एनजीओज इतनी सारी हैं वो काम नहीं इसी पे काम इस पे काम करने के लिए रास्ते क्यों नहीं दिए जाते हैं? रास्ता है सारे काम करें हमारे साथ यूनिसेफ काम कर रहा है हमारे साथ वर्ल्ड बैंक काम कर रहा है हमारे साथ जायका काम करें हमारे साथ लोकल जो एनजीओज हैं वो काम कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अपने स्कीम्स हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के हवाले से भी काम कर रहे हैं एक्सेस के हवाले से भी काम कर रहे हैं। ये जो सेक्टर प्लान की मैंने बात की इसमें सारे डोनर्स उन्होंने भी इसको इंडोर्स किया वो सारे पैसे लगा रहे हैं बलूचिस्तान। सर हम करियर काउंसलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें बलूचिस्तान में सबसे बड़ा मसला करियर काउंसलिंग का मैट्रिक तक के स्टूडेंट को नहीं पता होता कि उसने आगे करना है क्या या डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या कुछ भी नहीं करेगा तीसरी कोई फील्ड या टेक्निकल फील्ड या स्किल्स और इन चीज़ों की तरफ हम स्टूडेंट्स को क्यों नहीं लेकर जा पाते हैं? हम जब कंपेरिजन की बात करते हैं पंजाब और के पी की जब बात करते हैं वहाँ पर बच्चे के पास बहुत कम एक से ही एक्सपोजर आ जाता है उसको पता होता है कि ये फील्ड नहीं तो हमने ये कर लेना है। उनको आर्ट्स में भी बहुत सारी फील्ड्स दिखाई जाती हैं हर चीज़ नज़र आती है हमारे बच्चे को बलूचिस्तान के बच्चे को मैट्रिक तक कुछ नहीं दिखाया जाता एफ एस सी लेवल पर भी उसे कुछ नहीं पता होता एफ एस सी में अगर जो टॉपर्स होते हैं वो तो मेडिकल की तरफ चलेगा लेकिन जो रैंक सर उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम एक तरह से चाहेंगे कि एजुकेशन एक तरह से इमरजेंसी नाफिज हो जिससे चीज़ें बहुत बेहतर स्पेशली करिकुलम को लेकर लोग आए लोग हैं हमारे पास काम करने के ये नहीं है कि क्वालिफाइड लोग हैं सिर्फ काम कर लें नीयत हो लगन हो जज्बा हो ये नहीं है नीयत है उनको क्यों नहीं लाके बिठा रहे मतलब वही नीयत वाले उधर ही हैं लेकिन वो काम करें वॉलंटियर करने बहुत ऐसे लोग होंगे जो वॉलंटियर करने के लिए तैयार हैं जो उनको क्यों नहीं लाके जो क्वालिफाइड लोग हैं उसी के अंदर हैं ब्यूरो ऑफ करिकुलम में अब पुराने लोग भी हैं लेकिन क्वालिफाइड लोग भी हैं।
उनमें थोड़ा जज्बा है कुछ लोगों में, अगर वो काम कर लें तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। वो काम क्या है कि आपके होते हुए ये चीजें नजर आए और आपके ही दौर में हमें एजुकेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें, आपने जितना पॉजिटिव इमेज एजुकेशन डिपार्टमेंट हमें दिया है, इंशाल्लाह आई होप कि ये चीजें इस तरह से नजर में आएंगी। सर थैंक यू, आपके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आपने डिपार्टमेंट को लेकर जितने सवाल थे उनको बहुत अच्छे से जवाब दिया और बहुत अच्छी, अच्छा लगा आपसे मिलकर। जो चीज़ें हमें क्या शायद यहाँ के जितने हमारे यंगस्टर्स हैं उनके जहन में बहुत सारी नेगेटिव परसेप्शन होती है डिपार्टमेंट को लेकर, तो इंशाल्लाह आई होप कि उनके जहन में भी बहुत सारी बातें आज क्लियर हुई। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर।